भिंडी है यहाँ भैया। क्या कर रहे हैं ये, क्या हो रहा है? कछु नहीं भैया, कछु नहीं हो रहा है भाई, ये स्क्रिप्टेड है। मार लो अंडा चूतिया, माफ कर देना। तुम्हारा भाई मारेगा सीधा यहीं से डाइव। सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? होप सो कि अच्छे ही होगे आप। तो फाइनली अभी हरिद्वार पहुंच चुके हैं हम। 5-6 घंटे का हमारा ट्रैवल टाइम था, तो ट्रेन से आए थे। हमारे साथ देखो कौन कौन है भाई, हाय कर दो सारे। तो भाई काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं इस टाइम। ऋषिकेश तक का हमारा ट्रिप है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कुछ बताता रहूँगा किस तरीके से आप, हम भी एक बिगिनर हैं, तो फर्स्ट टाइम के लिए अगर आप ट्रैवल करोगे तो किस तरीके से कर सकते हो। अभी स्टेशन से निकल चुके हैं जस्ट, अभी ऋषिकेश के लिए देखते हैं या गाड़ी बस जो भी मिलता है उसके लिए। तो भाई किससे जाएंगे ऋषिकेश के लिए, कहाँ तक का है? मैं बताऊँ, बस से जाएंगे गाड़ी से, हवाई जहाज में चले जा बहुत ठीक है, हवाई जहाज में जाएंगे। हवाई जहाज भैया। तो भाई काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर इस टाइम यहाँ काफ़ी ज़्यादा लो है। यहाँ लास्ट टेम्परेचर क्या हो रहा होगा अभी? बस टेम्परेचर बताया, टेम्परेचर नहीं देख सकते, टेम्परेचर नहीं पता, पर गांड फटी पड़ी है, गांड फट चुकी है, ऐसा टेम्परेचर हो चुका है फिलहाल यहाँ पे। गाइस जन्नत जन्नत जिम में जाता है। हाँ ये पेड़ लेटर साथ में, मजा आ जाएगा। जवाब दो, तेरा बैग में पकड़ लूंगा। बड़ा पेड़ बोल रहा है उठा के ले चल, अबे इसे लेके कैसे जाऊंगा, रखेगा कहाँ इसे? पूरे जम चुके हैं, चाय का भी रोल निकाल देना। बहुत ज्यादा विंडी है यार। भैया क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है? कछु नहीं भैया, कछु नहीं हो रहा है। अरे भागो रे भागो। तो गाइस प्लान अब थोड़ा चेंज हो चुका है। प्लान पहले ये था कि थोड़ी देर हम हरिद्वार में रुकेंगे, उसके बाद ऋषिकेश के लिए निकलेंगे, बट अभी फिलहाल प्लान ये है सीधा ऋषिकेश जाएंगे, जो हमारा कैंप है वहाँ पे जाएंगे। और कोई भी और कौन सी जगह थी, जियोपराग करके जो ऐसी कुछ जगह है वहाँ पे है हमारा कैंप, वहाँ के नियर पड़ेगा, तो वहाँ से बस वगैरह करके वहाँ से जाया जाएगा। अब तो अपन लोग जा रहे हैं फिलहाल ऑटो से। ठंडी हो रही है भाई, बहुत काफ़ी ज़्यादा ठंडी है भाई, हाँ सबसे ज़्यादा ठंड हो रखी है भाई इस टाइम यहाँ। हाथ भाई लिटरली जम रहे हैं हमारे इस टाइम। तो अभी अपन लोग ऑटो से जा रहे हैं, देखो ऑटो से जा रहे हैं अपन लोग, फिर बाद में यहाँ से सीधा कैंप पे निकलेंगे, फिर वापसी में आने में हरिद्वार का करेंगे आप। केस में एंट्री हो चुकी है, इस टाइम टेम्परेचर देख सकते हो 9 डिग्री पे हो चुका है, और रात के टाइम पे देखना ये बहुत ही ज़्यादा लो पे चला जाएगा। रात के लगभग कितना यहाँ से बस वगैरह के लिए देख रहे हैं हम लोग, यहाँ कौन सी बस जाएगी ये देख रहे हैं अभी। आपको मैं बता दूँगा किस कौन सी बस जाएगी। अनन कौन सी बस जाएगी भाई, बसों के हिसाब से पता नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि भाई गाड़ी बन जाए। देखो भाई बस में भी कुछ टाइम लगेगा, इससे बड़े गाड़ी बन लेंगे भाई, सारे सेपरेट फोर से जाएंगे, एकदम पूछा समझा देंगे सारा एड्रेस, वो खाली हमारी होगी बस गाड़ी करने में। फिर गाड़ी का देख के आओ तुम लोग, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है टैक्सी वगैरह जाने ठीक है। तो भाई अभी थोड़ा वॉकिंग के लिए ट्राई करा है, थोड़ा डिसाइड करा है कि वॉकिंग करते हैं, थोड़ा पैर वैर भी चल जाएंगे भाई। काफ़ी टाइम से ट्रेन में भी बैठे रहे थे, फिर उसके बाद ऑटो से गए, ऑटो में भी बैठे ही रहे। तो स्पाइडी कैसा लग रहा है आपको सामान उठा के चल गए? भाई साहब पैर जल चुके, तूने ग्लव्स पहन रखे तब तो अपने हाथ बता रहा है, ये देख मेरे यार। अब ठंड नॉर्मल हो गई है, अब यहाँ धूप निकल गई तो अच्छा खासी हो गई है ठंड। जिस टाइम हम आए थे उस टाइम से काफ़ी कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, वो देखो हमारे आगे दोस्त कितने ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। बाइक मेरा बहुत साथ दे रहा है, मेरा बैग जो है यही कैरी करके लेके जा रहा है भाई। थोड़ी खिलाएगा, खिलाएंगे भाई, खिलाएंगे बस, और पता क्या खाएगा। आगे पूरा का पूरा जितना एरिया हमारा सारे के सारे पूरा पहाड़ में है भाई, हमारा कैंप भी आगे ही है कहीं। तो भाई कैंपिंग का यहाँ पे फाइनल हो गया हमारा, कैंपिंग का आपको भाई देखो बता देंगे भाई। ऑफिस वगैरह की डिटेल बता दो आप अपनी। ऋषिकेश बस स्टैंड, लाल तपाल टूर एंड ट्रैवल। अच्छा, और भैया क्या क्या एक्टिविटी करवाई है आपने, सारी बता दो। तो आज आपने पैकेज लिया है, इसमें आज आपका दिन का लंच होगा, शाम का स्नैक्स होगा, बोन फायर होगा। भाई ये रही अपनी बुलेरो, जानवर पीछे बैठेंगे, ये करवाई है भाई अपन लोगों ने।
तो भाई आ चुके हैं, अब सवारी स्टार्ट हो गई है। तो भाई कैंप पे आ चुके हैं भाई अपने, तपोवन नाइट्स नाम है भाई कैंप का, जो बंदे ने वहाँ करवाया था, तपोवन नाइट्स का नाम है इस कैंप का। चलो कैंप यहाँ पे चलते हैं आगे। ओ भाई ओयो, अरे ओयो 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 की बातचीत हर जगह है, काफी फैला हुआ बिजनेस है। ओ भाई हनान भाई, मैं तो पूछ जाऊंगा भाई, कपड़े उतार भाई, रहा नहीं जा रहा मैं तो नहाने। ओ भाई क्या बात है, पहले पूछ लो कौन सा कैंप है भाई यहाँ का, वो कहाँ है भाई, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैन। तो भाई कैंप तो बहुत ही ज्यादा सही है भाई, हर्ष बता भाई कैंप के बारे में। भाई कैंप की मैं तो मौसम बड़ा सेक्सी है दिखा तो वेदर भाई, वेदर भाई, वेदर की तो भाई बातचीत अलग ही। मैं तो चारों पहाड़ गिर के समा जा मेरे अंदर। तो आला भाई मारेगा सीधा यहीं से डाइव, यहीं से सीधा चले जाऊंगा क्या भाई, रुके नहीं जा रहा मेरे पास तो। मैं भी भाई, तो भाई अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, वो वाला भी कर दे, वो वाला भी कर दे अपना वाला। रियान पेट में कैसी आग लग रही है भाई, बहुत तेज भूख लग रही है, रात का खा के निकले थे घर से 10:30 बजे, हमने खाया था 8 बजे खाया था, 10:30 की ट्रेन थी हमारी, तब से तो कुछ नहीं खाया, खाया कुछ नहीं, चाय पिए आज से, आज चाय पी ली वही बहुत करा भाई, तब से तब कुछ ही नहीं खाया हमने, तब से अब खा रहे। तो भाई नाश्ता खाना वाना हो चुका है, अब जाके काफी अब खाया खाना मैंने, तो भाई पेट भर गया, चलो भाई हद से ज्यादा थक चुके हैं इस टाइम, पूरा ट्रैवल करते करते बावले हो गए हैं, तब चलते हैं अपने कैब में और सोएंगे आराम से। रियान भाई क्या कहना चाहते हैं भाई? मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बड़ा मजा आ रहा है, तुम लोग जरूर आना भाई, जरूर इस जगह पे जरूर चेकआउट करो, हमारा काफी ज्यादा अच्छा कैंप है भाई, तो अभी सोते हैं। तो गाइस अब बहुत ज्यादा थक चुके हैं, तो अब पढ़ के सोएंगे आराम से, तो डे फर्स्ट डे का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, अब चलो भाई सोने की तैयारी करो, चलो बाय गाइस।